एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का जो वीडियो है मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे घर पे आप फेशियल कर सकते हो घर के चीज़ों से ही। जब मैं पार्लर नहीं जा पाती हूँ तो मैं घर पे ही ये फेशियल करती हूँ। बहुत ही इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन हो जाता है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। होप गाइस, जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था, बहुत ही ग्लोइंग स्किन हो गया था। तो मैं सोची थी कि आप लोगों से भी यार शेयर करना चाहिए मुझे, ताकि आप लोग भी ये ट्राई करके देखो कि कितना अच्छा रिजल्ट घर बैठे बैठे यार। तो गाइस, अभी मैं विदाउट मेकअप हूँ, देख सकते हो मैंने ना लिपस्टिक लगाया है ना कुछ, और पिम्पल्स देखो मेरे एक दो यहाँ पे हो गए हैं। तो मैं चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। बाहर यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लाइट नहीं आ पा रही है, नहीं तो मैं सोची थी सनलाइट में बनाती तो और अच्छे से क्लियर दिख पाता। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको अपने फेस को किसी भी फेस वॉश से, क्लींजर से आपको फेस को क्लीन करना है। तो जो भी आपके पास फेस वॉश हो आप पहले क्लीन कर लो अपने। गाइस, अच्छे से आपको क्लीन करना है पूरे फेस को, ताकि जितनी भी डस्ट है सब निकल जाए आपके फेस से, पूरे डस्ट को क्लीन करके निकालना है। तो गाइज, मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो गाइज, अब करना है स्टेप नंबर टू। इसमें क्या करना है, टमेटो लेना है, इसको हाफ कट कर लेना है, और इसका जो जूस है ना, उसको जूस पूरा निकाल लेना है। गाइज, उसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना है, और उसके बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। एक स्पून लीजिए और उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद इसको फेस पे लगाएंगे हम। आप ब्रश का भी गाइज यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ब्रश है आप ब्रश से भी कर सकते हो। मैं अभी हाथों से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने हाथों से ही कंफर्टेबल हूँ इसलिए। तो आप इसको गाइज डबल ट्रिपल कोटिंग करके कर लेना अगर आप ब्रश से कर रहे हो तो। नेक पे भी लगा लेंगे ताकि ये फेस का और नेक का कलर अलग अलग ना हो जाए। गाइज, अगर आपके पास टमेटो या हनी नहीं है तो आप कुकुम्बर का जूस भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये टमेटो तो अब्जर्व हो गया बट हनी नहीं सूखने वाला है। गाइज, आप करेंगे स्टेप नंबर थ्री। इसमें आपको स्टीम लेना है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप पानी को गर्म करके और एक छोटा सा टॉल लेकर इससे हम करेंगे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे करना। गाइज, ये रहा टॉवल, इसमें डालना है। गाइस, उसके बाद अच्छे से अपने फेस को स्टीम करना है। और गाइस हाँ, आईज के पास बिल्कुल भी मत कीजिएगा स्टीम। इस स्टीम लेने के बाद फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। गाइस, अब करेंगे स्टेप नंबर फोर। उसमें क्या करना है, उसमें पटेटो लेना है और उसको हाफ कट कर लेंगे। मैं कट कर लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा ऐसे कट्स लगा लेंगे ताकि इसका जो जूस है वो थोड़ा सा निकल पाए। और पूरे फेस पे लगाना है ना, इसको अपने पूरे फेस पे हम लगा लेंगे। अच्छे से पूरा लगाना है आपको। तो गाइस, ये मैंने पटेटो पूरा अच्छे से फेस पे लगा लिया है और इसके ऊपर अब लगाना है एग वाइट। तो मैंने इस बॉल में थोड़ा सा एग वाइट ले लिया है और इसको अपने फेस पे लगा लेंगे। इसको भी पूरे अच्छे से लगाना है।
तो गाइस मैं अपना हाथों का यूज़ कर रही हूँ, ऐसे आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो ब्रश है ना वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मैं अपना मेरा हाथ ही काफ़ी है। गाइस पूरा अच्छे से पूरे स्किन के पार्ट पे आपको लगा लेना है, उसके बाद 5 से 7 मिनट तक वेट करना है, जब आपको लगे कि ये पूरा सूख के टाइट हो रहा है उसके बाद आपको अच्छे से फेस वॉश कर लेना। गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना स्किन और देख सकते हो पहले से कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है स्किन। तो गाइस चलो अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस अब करेंगे स्टेप नंबर 5। इसमें करना क्या है, इसमें मैं थोड़े से ओट्स ली हूँ, उसको मैंने पीस लिया है, दिखाती हूँ आप लोगों को, ये रहा, इसको पीसना है। और इसमें तो गाइस ओट्स में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है, इसमें गाइस हल्दी का पाउडर मैंने डाल दिया है। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे, इसमें एलोवेरा जेल डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो ये ऐसा हो गया है पूरा येलो येलो। मिक्स करने के बाद पूरे फेस में हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इसको। गाइस आप ओट्स को ना पीस के रख सकते हो, आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइज इसको हम 5 से 7 मिनट तक फिर वेट करेंगे थोड़ा सा सूखने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस 5 से 7 मिनट ही, उसके बाद हम इसको धो लेंगे। उसके बाद देखना यार मेरा चमत्कार देखना स्किन का, आपका स्किन इतना ज़्यादा मतलब ग्लोइंग हो जाएगा ना, मैं दिखाती हूँ। अभी वेट कर रही हूँ 5 से 7 मिनट। गाइज मैंने थोड़ा अपने हाथों में भी लगा लिया ताकि फेस की तरह मेरा हाथ भी थोड़ा ग्लो करे। तो गाइज मैंने अपने हाथों का पहले ही वॉश कर लिया है, अब फेस कर लेती हूँ। तो गाइज मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हो फेस पे शाइनिंग नेचुरल। तो गाइज अब करेंगे स्टेप नंबर 6। इसमें हम करेंगे एलोवेरा जेल लेना है और इसके बाद इसमें हम गुलाब का पानी डालेंगे। और उसके बाद ये थोड़ा सा नींबू का रस, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही आप नींबू का रस डाल सकते हो, अगर नहीं हो तो नहीं भी डाल सकते हो, मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। उसके बाद गाइस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है मैंने और उसको भी फेस पे पूरा कोटिंग कर लेना है। तो गाइस ये जब लगा लेंगे हम, उसके बाद 15 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ही इसको हम फेस
क्लीन करेंगे तो 15 मिनट। तो गाइज अब जो लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए, हमें रेगुलर ये यूज़ करना चाहिए। ये स्किन के लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है। कैसे मैं बताती हूँ, हम बाहर जाते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए, डेली लगा के निकलना चाहिए, बट हम घर में हैं तब भी हमें यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन। वो कैसे, क्योंकि हम रेगुलर गाइज फ़ोन यूज़ करते हैं जिसके लाइट की वजह से हमारा स्किन जो है ना कहीं ब्लैक कहीं वाइट हो जाता है। तो गाइज इसलिए हमें सनस्क्रीन लगा के घर पर भी रहना चाहिए। जो लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। तो कोई भी अच्छे ब्रांड का आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे स्किन पे। मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, उसके बाद मैं ये सनस्क्रीन यूज़, मैं ऐसे तो पाम का यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो इसको टैप टैप करके यूज़ करना रहता है। गाइस देखो मेरी स्किन पहले से कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ये आप लोग घर पे भी ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिलता है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर चैनल को।